नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। हमारी मौजूदगी दानापुर के महुआ बाग में है। हम यहाँ इसलिए पहुँचे हैं क्योंकि लालू प्रसाद यादव का यही अलीशान घर बन रहा है और ये घर काफ़ी चर्चा में है और इस घर को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं चल रही है। हम आपको लालू प्रसाद यादव का घर भी दिखाएंगे कि आखिर लालू प्रसाद यादव का घर महुआ बाग में कैसा बन रहा है। आपको बता दें, लालू प्रसाद यादव का पुराना नाता रिश्ता महुआ बाग से रहा है। लालू प्रसाद यादव जब बचपन में और साथ ही स्कूली लाइफ हो या कॉलेज लाइफ हो या छात्र राजनीति हो, उनका जीवन महुआ बाग में बीता है। वेटनरी कॉलेज और महुआ बाग से पुराना नाता रिश्ता रहा है। 1976 में लालू प्रसाद यादव महुआ बाग वेटनरी कॉलेज के पास रहा करते थे और अभी हमारी मौजूदगी महुआ बाग में, हम ले चलते हैं आपको, दिखाते हैं कि महुआ बाग इलाके में किस तरह से लालू प्रसाद यादव का घर बन रहा है। ये तस्वीर आप देख रहे होंगे, महुआ बाग में लालू प्रसाद यादव की अलसान घर की तस्वीर है। हम आपको घर दिखा रहे हैं कि किस तरह से लालू प्रसाद यादव का ये अलीशान घर बना हुआ है। लेकिन हालांकि ये घर चर्चा का विषय में है। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव का ये जो घर है और ये जो ज़मीन है, इस ज़मीन को लेकर ईडी ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर किया है और महुआ बाग इलाके में लालू प्रसाद यादव के 7 ऐसे भूखंड हैं, यानी कि ज़मीन है, जिसको अटैच किया है ईडी ने मामले में। आपको बता दें, ये भी ज़मीन जिस पे ये घर बना हुआ है, ये भी घर ईडी के चार्जशीट में लिखा हुआ है और इसमें ये भी इस ज़मीन का भी मामला है। लेकिन आपको बता दें, इस ज़मीन को लेकर भी ईडी ने बताया है कि ये भी ज़मीन नौकरी के बदले ये ज़मीन ली गई थी लालू प्रसाद यादव के द्वारा और अब इसी घर पे लालू प्रसाद यादव अलीशान अपना घर बना रहे हैं। आपको बता दें कि ये घर काफ़ी चर्चा का विषय है और इस घर को लेकर भी लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन आपको हम ये घर दिखा रहे हैं कि किस तरह से लालू प्रसाद यादव ये अलीशान घर बना रहे हैं। ये आप जो बाउंड्री वॉल देख रहे होंगे, देखिए किस तरह से बड़ी ऊँची बाउंड्री वॉल है और अंदर में लालू प्रसाद यादव का ये घर है। हवेली कह लीजिए, घर कह लीजिए या इसके साथ ही रिसोर्ट कर लीजिए, जो भी कहना है, लेकिन ये घर काफ़ी ही अलीशान घर है। आपको बता दें, इस घर को लेकर ईडी ने अपने केस में सप्लीमेंट्री चार्जशीट में जिक्र किया है और कहा है कि महुआ बाग में 7 ऐसे ज़मीन है जिसमें से एक ज़मीन है जो महुआ बाग में लालू प्रसाद यादव घर अपना बना रहे हैं। आपको बता दें, लालू प्रसाद का ये घर को लेकर काफ़ी चर्चाएँ हैं और तमाम जो बातें कही जा रही है। लेकिन आपको बता दें, लालू प्रसाद के घर को लेकर चर्चा भी तेज है और कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव का ये घर है पूरा होगा या नहीं होगा, इस पर शक है। ईडी इस घर को लेकर भी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में चर्चा की है, इस पर साफ तौर पे लिखा है और कहा है कि ये भी ज़मीन नौकरी देने के बजाय ज़मीन लिया गया था और अब लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ती दिख रही है। उनको अभी कोर्ट में, ईडी कोर्ट में हाजिर भी होना है, लेकिन अब लालू प्रसाद यादव ये घर बना रहे हैं। तरह तरह के चर्चाएं हो रही कि लालू प्रसाद यादव इतना आलीशान घर बना रहे हैं, क्या इसमें वो रह पाएंगे, क्योंकि ईडी इस ज़मीन को अपने केस में चर्चा की है, बताया है कि एक ज़मीन भी नौकरी यानी कि लैंड फॉर जॉब मामले में भी ज़मीन है। लालू प्रसाद यादव जब रेल मंत्री थे तब लोगों से ज़मीन लेकर नौकरी दिए थे। बरहाल खबर इतना ही, इसी तरह तमाम लोग बने रहे, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।